एबी न्यूज से मैं विजय कुमार इस समय मौजूद हूँ हरिद्वार के भोपतवाला क्षेत्र में। आज हरीश रावत जी के बेटे जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनसे मैं कुछ जानकारियां लेना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जिन मुद्दों को लेकर के आई है, आप लोगों के लिए सभी के लिए समोसे आ रहे हैं, आप लोग बैठिए। जो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपने प्रचार में लगी हुई है और जिस तरह से वो हम उनसे जानना चाहेंगे, वीरेंद्र रावत जी यहाँ पर मौजूद है, हरीश रावत जी के जो पुत्र है यहाँ पर मौजूद है, कांग्रेस की कमान इनके हाथ में इस समय है और किन मुद्दों को लेकर के ये चुनावों पे बढ़िया अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं, दोबारा से कांग्रेस को लाना चाहते हैं, तो क्या वो जरूरी मुद्दे हैं जो जनता के आप उठाएंगे? देखिए, आज हमारा उत्तराखंड जो राज्य बना है ये बहुत संघर्ष के बाद बना। हमारे बहुत से लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी भी दी, शहीद हुए, लेकिन आज जो स्थिति है उत्तराखंड की, डबल इंजन की सरकार है लेकिन उत्तराखंड में जंगल राज है। दिन दहाड़े बालाजी ज्वेलर्स में डाका पड़ जाता है, देहरादून में आपका जो है मीन राजपुर रोड पर जो है डाका पड़ जाता है। शांतल शाह की बेटी हो, चाहे रुद्रपुर की हो, चाहे शल्ट की बेटी हो, चाहे लाल कुआ की बेटी हो, सबके सामने बलात्कार हो रहा है और उनकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। तो आज उत्तराखंड में जंगल राज चल रहा है, इसके विरोध में कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस का प्रयास है कि यहाँ शांति व्यवस्था बनाई जा सके। और शांति व्यवस्था तभी बन सकती है जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस ने ही यहाँ सिटपुर लाने का काम किया, कांग्रेस ने ही बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया। आज बेरोजगारी चरम पर है, पूरे देशों में अगर देखा जाए तो भारत नंबर वन बेरोजगार देश है और उत्तराखंड भारत में नंबर वन है चल रहा है, जबकि जब हरीश रावत जी की सरकार थी 32 माह की सरकार रही, उन्होंने 32,000 नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। आज 7.5 साल हो चुके हैं भाजपा की सरकार को उत्तराखंड में, उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिए ये मुझसे ज्यादा आप भली भांति जानते हैं। आज महंगाई चरम पर है, महिलाएं महंगाई से परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है और व्यापारी सुरक्षा असुरक्षा व्यापारी के मन में है, इसलिए व्यापार शांतिपूर्वक नहीं कर पा रहा है। तो आज पूरे राज्य में जंगल राज है, इस जंगल राज के विरोध में कांग्रेस खड़ी है और यही हमारा नारा है, कांग्रेस लाओ शांति बहाल करो। अभी एक जो हरिद्वार जैसा क्षेत्र है कि धार्मिक क्षेत्र है हरिद्वार, ये जो नशे का जो सबसे बड़ा यहाँ पर इस समय मुद्दा उठा हुआ है, उस मुद्दे को लेकर यदि आपकी सरकार आती है किस तरह की योजनाएं तैयार करेगी? निश्चित रूप से कांग्रेस हमेशा नशे के विरोध में रही है, खिलाफ रही है। जब हमारा शासन था यहाँ तब ना तो सूखा नशा था ना गीला नशा था, लेकिन आज यहाँ दोनों तरह के नशे हैं शराब, जबकि हरिद्वार जो है कुंभ क्षेत्र है, लेकिन यहाँ गली गली में शराब बट रही है। किसकी शहर पर बट रही है हम उससे बेहतर जानते हैं। यहाँ के जो विधायक है वो मंत्री भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन मध्य हरिद्वार में बारिश अगर थोड़ी तेज हो जाए तो जल भराव की बहुत बड़ी समस्या हरिद्वार में है, उसका जो है हमारे स्थानीय विधायक ने उसका कोई हल नहीं कर पाए। और शराब किसकी शहर पर बट रही है आप उससे बेहतर जानते हैं। अभी एक और ये विकास जी जो इस क्षेत्र में डेली रोजाना जो सफाई अभियान को लेकर के जागरूकता फैलाते हैं, खुद सफाई करते हैं, उनको लेके आप किस तरह की बात कहेंगे? विकास जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री का नारा सिर्फ नारा ही है लेकिन विकास जी जो है उसको धरातल पर कर रहे हैं और जो है सफाई अभियान चलाते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि ये नौजवान है और इनके मन में है जनता के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है और इस जज्बे को ये बनाए रखे और आगे बढ़ेंगे निश्चित तौर पर। अभी आपने जिस तरह से देखा कि वीरेंद्र रावत जी ने सभी बातों पे अच्छे तरीके से जवाब दे दिया, कांग्रेस पार्टी आने पर वो किस तरह से कार्य करेंगे वो भी बता दिया है, और इसी न्यूज के साथ में इस समय हरिद्वार से विजय कुमार, एबी न्यूज।